सो दिन की शुरुआत में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मैं निकल जाता हूँ मंदिर में एंड ये करके मुझे काफी सुकून मिला। इसके बाद मैं चला जाता हूँ काली माता के मंदिर जहाँ पे काली माता के दर्शन के बाद आशीर्वाद के तौर पर मुझे मिलता है ये फूल। सो चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि आज मुझे फुआ जी के घर भी जाना है। सो लो हो गया मैं तैयार एकदम चकाचक लेकिन यार धूप बड़ी खतरनाक है। खैर कोई ना चलो चलते हैं ऑटो में एंड ऑटो में बैठने के बाद मैंने अपने रुमाल खोल के सिर में बांध लिया क्योंकि यार बाल खराब नहीं होने चाहिए वैसे भी आज मेरे पास कंघी नहीं है। मैं पहुंच गया फुआ जी के घर एंड यहाँ पे भैया की डिमांड पे सतुआ साना जाता है लेकिन यहाँ पे रोनित ने सतुए को गोबर बना दिया। लास्ट में सतुआ काफी मस्त बनता है सच्ची में इसको खा के मजा आ गया एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं गाय से मिलने के लिए। फिर इसको हम इधर से उधर खूब घुमाते हैं लेकिन तभी हमारे भैया जी आते हैं हमें छठ घाट ले जाने के लिए। लो ये पहुंच गया मैं घाट पे लेकिन यहाँ पे भीड़ काफी कम थी बट अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन हमारे एक्सपीरियंस को भंग कर दिया हमारी दीदी ने। यानी लड़कियों को फोटो खिंचाने का क्यों इतना शौक होता है इस वजह से न जाने हमें कितनी फोटोज खींचनी पड़ती है। ये देखो हमारे भैया जी कहाँ लगे हुए हैं लड़की का चक्कर है बाबू भैया। सो आगे का व्लॉग पार्ट 2 में देखेंगे तब तक के लिए।